मोटरोला ने इंडियन मार्केट में एक बजट सेगमेंट वाला एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया और इसका नाम है मोटो E13। इस फोन की खास बात यह है कि इसे 10,000 से भी कम कीमत में लॉन्च किया गया, यानी कि उन यूजर्स के लिए बहुत अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है जो कि 10,000 रुपये से कम बजट में एक अच्छा फोन और लेटेस्ट फोन खरीदना चाहते हैं। तो इस फोन के बहुत सारे खास फीचर्स हैं। इस फोन को सुपीरियर कंफर्ट और बहुत ही शानदार डिजाइन के साथ तैयार किया गया है और इस फोन में बहुत सारे दमदार फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें 8GB तक की रैम और 128GB तक की स्टोरेज मिलती है और इस वेरियंट का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 8,999 रुपये, यानी कि 9,000 रुपये में आप इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। अब बात है परफॉर्मेंस पे, तो उसके लिए इस फोन में ऑक्टा कोर यूनिसेक T606 प्रोसेसर दिया गया है और ये बजट सेगमेंट वाला प्रोसेसर है। मल्टीटास्किंग के लिए बहुत अच्छा होता है, नॉर्मल गेमिंग आप कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आते हैं मेन फीचर्स पे और ये इसके कुछ हाइलाइटेड फीचर्स हैं जो कि डिस्प्ले, जैसे कि इसमें 6.5 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। तो जो स्क्रीन साइज़ है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। डुअल कैमरा सेटअप मिलता है इसमें, 13MP का एक प्राइमरी सेंसर दिया गया है, साथ में इसमें 5000mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है। तो मतलब कि आप देख सकते हैं 10,000 रुपये से भी कम प्राइस सेगमेंट में अब कंपनियां 5000mAh की बैटरी दे रही हैं जो कि मिड रेंज सेगमेंट या प्रीमियम फोन्स में भी हमें देखने के लिए मिलती है। तो बैटरी साइज़ काफ़ी अच्छा है, तो उससे हम ये मान सकते हैं कि इसका जो बैटरी बैकअप है वो बहुत अच्छा होने वाला है। साथ में ये फ़ोन एंड्रॉयड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें कुछ इंटेलिजेंस फीचर्स भी दिए गए हैं जिसमें एक ऑटो स्माइल फेस फीचर मिलता है। तो ये फीचर भी एकदम यूनिक फीचर है जो आपको 10,000 रुपये से कम प्राइस सेगमेंट में मिल रहा है। साथ में फ़ोन का जो वजन है वो भी काफी कम है, यानी कि लाइट वेट फोन जो है मोटो ने तैयार किया है। इसके अलावा कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है। अब माना जा रहा है कि ये जो फ़ोन है इसको Redmi 12 के साथ कम्पीट करने के लिए कंपनी ने तैयार किया है। हालांकि जो Redmi 12 है उसे हाल ही में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था और वो भी 10,000 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस पर आता है। तो अब देखना है कि क्या ये दोनों फ़ोन एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्पीट कर पाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में जो ये 10,000 रुपये वाली प्राइस सेगमेंट है इसमें काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन हो गया है और ऐसे में मोटोरोला, रेडमी, रियलमी जैसी कंपनियाँ अब टफ कॉम्पिटिशन कर रही हैं और बैक टू बैक नए स्मार्टफोन्स लेकर आ रही हैं। तो ये मोटो E13 के कुछ हाइलाइटेड फीचर्स हैं। इसके अलावा जो फ़ोन है उसमें को काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, लाइट वेट है, बड़ी बैटरी आपको मिल रही है, एक अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सपोर्ट के साथ आता है। तो बहुत सारे परफेक्ट फीचर्स हैं और उन यूज़र्स के लिए बहुत अच्छा है जो कि 8,000 से 9,000 रुपये के बीच में एक सस्ता और परफेक्ट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। तो इस फ़ोन का सबसे खास फीचर आपको कौन सा लगा है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।